दोस्तों जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स आज मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ। जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने हरकतें की हैं ना मना करने के बाद भी, मैं गारंटी से बोलता हूँ दोस्तों सभी लोगों को नुकसान होगा, बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा, और मेरे से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा आप लोग। दोस्तों आज मैं कोई भी लाइक सब्सक्राइब ऐसा आप लोगों से कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि अल्टीमेट बोलूँ तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब है आज जो सुबह मेरे पास जो खबर आई है। अब दोस्तों आप लोगों को मैंने मना किया था कि आप लोग कोई भी बोर्ड में कॉल करके इस चीज़ को कंफर्म नहीं करोगे कि 2021 वाली वैकेंसी इंक्लूड की गई है या नहीं की गई है, बट आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनको मैं क्या बोलूँ, गाली देने के एक तरह से समझ लो मन कर रहा है उनको, कि उनको यकीन नहीं है फिर भी बोर्ड में कॉल करके पूछ रहे हैं कि ये चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। और इवन उधर से फिर रिटर्न आता है कि भाई किसी को बताया गया है क्या ये चीज़ की आप लोगों ने, मतलब हद कर दिया यार आप लोगों ने, ऐसी ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। दोस्तों आज के बाद मेरे से इस टॉपिक पे कोई भी अपडेट के आप लोगों में से कोई भी उम्मीद मत रखना, मैं पहले क्लियर बता रहा हूँ, आज के बाद इस टॉपिक पे मैं कोई भी अपडेट नहीं देने वाला हूँ। ये मैं वीडियो बना के बोल रहा हूँ ताकि बार बार कोई मुझे कॉल करके मैसेज करके ना पूछे, और जिसने कॉल किया वो अब समझ गया होगा कि कहाँ पर कॉल किया और कहाँ से क्या न्यूज आ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी सभी भी जितने भी लोग हैं ना, अपने बोर्ड में कॉल मत करिए, वरना अगर ऑफिसर भड़क गए ना तो भैया पछताने के अलावा कोई कुछ बचेगा नहीं आप लोगों के पास, कुछ नहीं कर पाओगे। वेटिंग क्लियर करना आरआरबी के बस की है, आप लोग उस पर फाइट भी नहीं कर सकते, उनके पास 1000 पैतरे हैं आप लोगों को रुनाने के। अगर वो शुरू हो गए ना तो फिर कहीं के नहीं बचोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, लिख लो। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं फेक बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो जो मर्जी करना हो कर लो, पछताओगे आप ही, आपका फ्यूचर जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों से, आप लोग ऐसी गलती मत करो, मत परेशान करो किसी भी ऑफिसर को, वो लोग आपका ही काम कर रहे हैं, वर्किंग डे में वो काम करे आपके फ़ोन का जवाब देते फिर है, वो भी उल्टे सीधे का, जिसका कि कोई अस्तित्व मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ को लीक करने का। आपको क्या लगता है फ़ोन करोगे तो कोई बता देगा कि 2021 की वैकेंसी गई है? बेवकूफ़ हो यार, पूरे के पूरे पता नहीं कैसे क्वालिफाई करके बैठे हो एग्ज़ाम, कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों आपको फ़ोन पे। ये बात मैं पहले दिन ही बोला था जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी, बट फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोग फिर भी फ़ोन करके पूछ रहे हो। रिक्वेस्ट है मत करो, अदरवाइज उस जोन से अगर वैकेंसी नहीं गई ना तो फिर रोते फिरोगे वेटिंग क्लियर कराने के लिए, नहीं होगी कुछ भी कर लो, सब आरआरबी के ऊपर है। अगर वो भड़क गए ना उसके ऑफिसर, तो ऑफिसर क्या चीज़ होते हैं ना अभी आपको पता नहीं है, जिस दिन पता चल जाएगा ना उस दिन फिर रोते फिरोगे। तो बस अभी मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब है, मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँ इसलिए मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, बट रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी फ़ोन मत करो, किसी को भी मत करो, इंतज़ार करो बस, और बाकी उम्मीद मत रखना कि मैं इस चीज़ पे आगे आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ जब तक फाइनल आ ही नहीं जाता नोटिस। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बस इसको यही है कि अगर आप लोग जेन्युइन हैं, फ़ोन नहीं करते, तो इसको शेयर करिएगा ताकि जो लोग फ़ोन करने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो सुधर जाएँ। बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स हैं इसमें जो पूरा यकीन करते हैं, नहीं करते, बट कुछ इतने कमीने लोग हैं ना जिनको मैं कमीना से भी कई बदतर गालियाँ दे सकता हूँ, और देने का भी मूड कर रहा है जिन्होंने ऐसे जाके बोर्ड में कॉल किया है। तो चलिए वीडियो का समाप्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक डिसलाइक आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी वो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। चलिए अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, बाय।